मेरे को जवाब चाहिए सारी चीजों के। मुझे ये बता, ग्रिड ये एरिया के देखो। बाद में ये जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में हाँ ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ग्रीड क्यों नहीं है? और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों के रीजन दे। मतलब जब तू कह रहा है कि तेरे को आज नया नई विधि चाहिए, तो पुरानी विधि को कंप्लीट करो पहले। तो तुम मेरे को बताओ अरे सुनिए, ये ये क्यों नहीं है ये? 20 से 15 ना, यहाँ पे 9, 35 से 10 से 20 तक का, 20 से 15, वो क्या बोलते हैं, 20 से 15, ये फिर 20 से नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, उल्टा भी बनता ना, उल्टा भी वेज बटन, 20 15 ये ना ये। हाँ, यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर ब्रेकआउट के बाद लोग देखेंगे भाई सेलिंग की तरफ मार्केट, तो सेलिंग में कूद जाएंगे फिर। यहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से ठीक है, फिर सेलिंग में कूद गए। एक तो बात फिर बता, वो चल ठीक ठीक मार्केट। है ठीक है ठीक है, तेरी बात क्लियर करता हूँ। तूने कहा ये वेज पैटर्न, पहले तो वेज पैटर्न कंप्लीटली एक लाइन पे नहीं डिपेंड होता, सीधी बात बता दूँ। वेज पैटर्न के अंदर भी ट्रैपिंग होती है। ये वेज पैटर्न है और यहाँ सेलिंग में लोग कूदेंगे, अरे तो फिर उनके एसएल कहाँ होंगे? इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, या इस एरिया पे, या इस एरिया पे, कहाँ होंगे? इन सब नीचे जगहों पे एसएल रखे होंगे भाई? किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ एसएल रखे होंगे, तो वो तो आउट ओली है। फिर ये स्टोरी तो खत्म हुई, ये ग्रीड क्यों नहीं है? पहले तो ये ग्रेड, बताओ, पहले तुम बेसिक बताओ ये है क्या चीज ग्रेड, ये है कौन सी बला, ये ग्रेड इम्पेक्ट एरिया है? मतलब किस चीज से इसका, इसके बिहाइंड द लॉजिक क्या है? मतलब ग्रेड इम्पेक्ट एरिया इसमें है तो कुछ ना समझ नहीं आ रही है मुझे। ठीक रिटेलर को वो किया जाता है, ट्रैप किया जाता है इसमें है, रिटेलर। ट्रेप किया जाता है, तो मैंने कह रहा हूँ मार्केट खुला, इतना गैप डाउन, मतलब मार्केट ने खुद ही क्रिएट किया कि मार्केट के अंदर पैनिक है, गिरावट है। ये मार्केट ने गिरावट दी तो ये सेलर के लिए ग्रीड होगी। ठीक है, मैं सिर्फ ग्रीड बोल रहा हूं, अभी मैं एंट्री नहीं बोल रहा। ये ग्रीड हो गई कंफर्म। इस ग्रीड के बाद में मार्केट थोड़ा उठने लग गया, एक लेवल को क्रॉस किया और ऊपर गया, वापिस आया, इस लेवल को क्रॉस किया। कहीं ना कहीं जो मार्केट है माहौल थोड़ा ठंडा कर रहा है, मतलब ऊपर की साइड जा रहा है, अचानक से गिरावट देता है, तो क्या ये ग्रीड इम्पेक्ट एरिया है? ये वाला नहीं है, वाह यार, तुम सीख क्या रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। जब ये ग्रीड है तो ये इम्पेक्ट क्यों नहीं है? जब ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ये स्पेस को यूज करता हैवी पैनिक नीचे का खुला हुआ है, एक साइकोलॉजिकली मार्केट में ऑटोमेटिक सेलिंग की बनी हुई है, यहाँ लगातार गिरावट कर रहा है, लोग शायद सेल नए भी करें, बेशक वो उनको एक ऐसा एरिया नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा रुक के एक ऐसा एरिया क्रिएट किया है, जैसे ये ऐसा एरिया, ये ऐसा एरिया और ये ऐसा एरिया क्रिएट किए हैं। अब इन्हीं ऐसल के बेसिस में मार्केट जब दोबारा से ये गिरावट शुरू करेगा, तो ये नहीं लगेगा कि ये गिरा था, खुला गैप डाउन, खुला नीचे आया, गिरा तेजी से, रुका और दोबारा से स्टार्ट हो गई अपनी जर्नी। मैं नहीं कह रहा आगे की, देख के बोलो आप। तो मुझे किस तरीके से बताओगे कि ये एरिया ग्रीड इम्पेक्ट एरिया क्यों ग्रिड नहीं? ग्रिड तो जीआई हो जाएगा। तो जीआईए होगा क्यों नहीं? इसने इसमें एक स्पेस क्रिएट हुआ था, वो स्पेस का यूज भी किया है, यहाँ का लेवल भी ब्रेकआउट दिया है, तेजी से नीचे की साइड भी गया है, तो ये जीआईए क्यों नहीं है? जीआई है, है, हो गया क्लियर? जब यहाँ ये लेवल टूटेगा, ये लेवल टूटेगा, ये ब्रेकआउट होगा, सारी तरीके से, दो या तीन तरीकों से जो लोग देख रहे हैं उनको यहाँ पे सेलिंग का व्यू मिलेगा, मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं से गैप अप, गैप डाउन हुआ है, तो ये भी एक साइकोलॉजी, सेलिंग की, मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन हुआ मतलब मार्केट में पैनिक है, मार्केट ने तेजी से इतनी गिरावट भी दिखाई। जो सेम पॉइंट खुला, सेम पॉइंट ओपन,
सेम पॉइंट हाई बना हुआ है, यानी कि ओपन और हाई सेम है, और जिस एरिया में ओपन और हाई सेम होते हैं मार्केट में लोग ये देखते हैं कि गिरावट कंटिन्यू रहने वाली। मैं ओपन और हाई की बात कर रहा हूँ, यही ओपन था यही हाई था और आफ्टर गैप डाउन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी एक कहीं ना कहीं व्यू क्रिएट, बहुत सारे लोग इस तरीके से देखते हैं, तो मैं बता रहा हूँ एक साइकोलॉजी गैप डाउन की, एक साइकोलॉजी लगातार गिरने की, एक साइकोलॉजी यहाँ से एक लेवल क्रिएट करके छोटे एसएल बनाने की, उसके बाद में उन्हीं लेवल्स को ब्रेकआउट करते हुए नीचे जाने की, तो उनको डर नहीं होता ये एसएल मिल जाते, तो ये ग्रीड इम्पैक्ट एरिया क्यों नहीं है? हर तरफ से तो ये ग्रीड इम्पैक्ट एरिया है। अब जब ये ग्रीड इम्पैक्ट एरिया है, लोग यहाँ उलझ गए, तो अपना एक प्लेस और आता है, हम उस प्लेस की इंपॉर्टेंस देते हैं, ये एरिया से ये एरिया के बीच में, याद है मैंने कहा था लास्ट लेवल, ये लास्ट लेवल से ये लेवल, यहाँ पे जब पहली बार जब गिरावट आई, इस एरिया में जो सेलर्स होंगे उनको नहीं निकलने देगा, और ये एरिया से ये एरिया के बीच में आएगा, जस्ट बीच में, ठीक है। अब यहाँ क्या पैटर्न बनेगा? डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, देखना ये डब्ल्यू पैटर्न, जैसे हम क्या बनाते हैं एम पैटर्न, फिर हम क्या देखते हैं एम ट्रेप, यहाँ क्या बनेगा डब्ल्यू पैटर्न, ये बन रहा है डब्ल्यू ट्रेप, ये बन रहा है एम ट्रिप, याद होगा ये तो बताया है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट तेजी से नीचे आता है, वैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा इस और इस एरिया के बीच में आएगा, यहाँ पे इस और इस एरिया के बीच में आता है, ये छोटा सा एसएल हो जाता है, यहाँ आता है, अब यहाँ इसके इसके बीच में आता है, और ये होता है ट्रिप। मैं सीधे किसी पैटर्न को ट्रेड करने के लिए नहीं बोलता, मैं ट्रिप को ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, ये ट्रिप हो गया और साथ में हो गया ये जी आई ए, मल्टीपल साइकोलॉजी कंफर्म हो गई, मल्टीपल साइकोलॉजी मतलब एक तरफा साइकोलॉजी, ये डाउन साइड, ये डाउन साइड की ग्रीड, ये ग्रीड का इम्पेक्ट, ये अलग अलग लेवल्स का ब्रेकआउट, और ये ओपन हाई सेम, कितनी सारी कन्फर्मेशन पे आपको रिटेलर का एक तरफा व्यू दिख रहा है, और रिटेलर अगर एक तरफा हो रखा है तो उसको किस साइड ट्रेप किया जा सकता है, दूसरी साइड, स्मार्ट मनी उसको किधर ट्रेप करेगा, इसी चीज को हम जी आई ए बोलते हैं। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी तुझे कि ये जी आई ए नहीं है, इतना मतलब क्लियरली पहले भी मैंने बताया है और ये दोबारा बता रहा हूँ, ये एरिया और इस एरिया के बीच में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, तो अपने को क्या क्या चीजें मिली, अपने को मल्टीपल वे से साइकोलॉजी क्लियर हो गई, जो कि अपना 60% पार्ट होता है एक ट्रेड बनाने के लिए, अच्छे से क्लियर हो रही है। दूसरा पार्ट होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, अपना एसएल छोटा होना, यानी कि रिस्क रिवार्ड। अब आप ये देखो कि आपकी रिस्क क्या है, ओनली ये रिस्क है, रिवार्ड क्या है, ये रिवार्ड कम से कम यहाँ के एसएल खाएगा, जब सब उलझ चुके हैं तो यहाँ पे भी कुछ सेलिंग हुई होगी अग्रेसिवली, तो उनके भी एसएल यहाँ के खाएगा, तो क्या होगा फिर, ये क्या होगा फिर, यहाँ पे ये ग्रेड इम्पैक्ट एरिया मजबूत बनता जा रहा है, तो ये अपना मैनेजमेंट भी क्लियर है, साइकोलॉजी भी क्लियर है। अब आती है बात स्ट्रेटजी की, ट्रेड लेने के लिए जीआईए खुद एक स्ट्रेटजी है, और उसके अलावा तुम्हें जीआईए के साथ में यहाँ डब्ल्यू पैटर्न ट्रेप मिल रहा है, तो आपको तीनों चीजें मिल रही है, बेटर रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, साइकोलॉजी क्लियर हो रही है, जीआईए क्लियर हो रहा है, और उसी के साथ में आपकी स्ट्रेटजी मिल रही है डब्ल्यू ट्रेप की, तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते, और ये जी आई ए क्यों नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी चीज में, यहाँ क्लियर हो गया, ये जी आई ए का ये चीज हो, चलो इसका खेल होता है यहाँ तक का, ये एसएल तो जाएंगे। अब एक बात बता मेरे को, ये जो चीज हो चुकी है, ये लोग फंस चुके हैं, ये लोगों के एसएल भी कट गए, कोई बात नहीं, जैसे ही ये लोग ये चीज होती है, यहाँ लास्ट एसएल होता है तो लास्ट स्पाइक भी मारता है। अब मुझे ये बता क्यों इस गैप का, एक तो ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं ये हमें ये देता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर से कवर होने लग जाता है तो ये भी तो देता है कि मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा, हो सकता है मार्केट इस गैप को कवर करे। एक साइकोलॉजी ये भी तो रिटेलर की होती है कि गैप अगर कवर करने के लिए चल पड़ा है तो मार्केट गैप कवर करे, एक साइकोलॉजी होती है ना मोटा मोटी,
जिस दिन मार्केट ओपन और हाई सेम रखता है, आप ये मान के चलना कि मार्केट नीचे तेजी से जा सकता है, बट अपना जीआईए को हम ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर वो जीआईए नहीं बनाता तो लगातार एक वे में, किस वे में जाता, ऐसे वे में जाता, ठीक है। अब हम ऊपर के लिए भी अब अगर देखेंगे ना, कभी नीचे के लिए प्ले करेंगे तो सिर्फ साइकोलॉजी नहीं देखेंगे, साथ में रिस्क रिवार्ड और साथ में अपना मेथड भी देखेंगे, तभी प्ले करेंगे। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है, क्या, गैप फिलिंग की, मैं इसके बात कर रहा हूँ। तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, क्या ये जीआईए है? इंपैक्ट रहे तो उसका अभी तक जीआईए नहीं है यहाँ तक, ये तो ऐसे लंटिंग हो रही है। और जीआईए की एक चीज और भी होती है, उसकी कैंडल्स थोड़ी बड़ी होती हैं, ग्रीडी होती हैं, अभी तक नहीं है। जैसे ये ब्रेक करता एरिया, ये एरिया ब्रेक करता है, क्या ये अब जीआईए है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? बड़ी बड़ी कैंडल्स तो बन रही है इसमें, लेकिन इसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना। देखो, एक समय के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है, तो एक चेजिंग बन जाता है। तो क्या ये चेजिंग मूव है? विदाउट रिट्रेसमेंट अगर मार्केट चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तो रिटेलर भी एक समय पर ये सोचेगा कि अब रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, उसी वो वे को बोलते हैं चेजिंग। और मार्केट ऐसे ही चलता रहता है और रिट्रेस नहीं करता, रिटेलर देखता, रिटेलर की एक समय के बाद में सोच बदल जाती है, इसी को हम चेजिंग वे बोलते हैं, जो लास्ट 3-15 तक सेम ही रह जाता है, कई बार लास्ट सेशन तक पूरा कम्प्लीटली चेजिंग ही रहता है, ऐसा मार्केट बहुत बार देखने को मिलता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने अगर यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये एरिया क्या ग्रीड इंपैक्ट एरिया हो सकता है? जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है, क्या इसमें बायर आएंगे या नहीं आएंगे? अकॉर्डिंग, मतलब तू अपनी सोच से बता कि ये बायर तो आएंगे ही ना। अच्छा, उसके रीजंस बता मुझे साइकोलॉजिकली। एक तो ये गैप डाउन मार्केट खुला है, हाँ, और गैप डाउन खुल के मार्केट ने गैप को, उसने हाई को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब एक संभावना क्या है, गैप फिल कर सकता है मार्केट, ऊपर फिल कर सकता है, ठीक है। तो एक संभावना हो गई गैप फिलिंग वालों की, ठीक है। और क्या होता है, कुछ लोग ये भी वेट कर रहे होंगे कि हमें कोई रिट्रेसमेंट मिल जाए ऊपर के लिए, कि ये बहुत तेजी से ऊपर गया, हो सकता है कोई थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, तो रिट्रेसमेंट आएगा तो हमें सही लेवल मिल जाएगा, हम ऊपर के लिए बाइंग करें, ये एक बार पैनिक है, थोड़ा सा एक बार रुक जाने दो, मार्केट को शांत होने दो, हो सकता है ऐसा भी। तो कैसे सोचें, ये जीआईए है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं? पहली बात देखो, मैं फिर बता देता हूँ, जीआईए एरिया इतना ऊपर नहीं होता कभी भी ऐसे ब्रेकआउट के ऊपर, ये ध्यान रखना। जीआईए एरिया कब होता है, जैसे मार्केट मान ले एक ऊपर जा रहा है, और हम अगर देख रहे ऊपर जाते जाते यहाँ पे मार्केट ठंडा हो रहा है, पहले उसको ठंडा होने दो, सेलिंग की कुछ क्रिएशन आने दो, उसके बाद में ये एरिया आता है, ठीक है। ये एरिया आता है, वो शार्प आता है, और उसमें भी शार्पनेस नीचे से आएगी, नीचे से का मतलब ये जो है ना, यहाँ स्पेस क्रिएट करेगा, जैसे मार्केट ने ये गया ऊपर, यहाँ नीचे आया, तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस क्रिएट करेगा इसके बीच में, उस स्पेस को यूज करेगा एक क्लाइमेक्स कैंडल की तरह, और ये वाला लेवल शायद न तोड़े, उसके बाद में अगर मार्केट तेजी से गिरे तो उसको हम जीआईए बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उस स्पेस की कहानी है जो स्पेस क्रिएट हुआ। अब मेरे को ये बता, क्या यहाँ कोई स्पेस है? ये तो फ्रेश दौड़ आ गई, स्पेस तो ये था, और स्पेस में कोई क्लाइमेक्स कैंडल नहीं थी, स्पेस में तो सिर्फ इस जगह के एसएल्स को हंटिंग किया गया था, तो ये जीआईए नहीं था, ये समझ में आ गया। ये जीआईए क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश दौड़ है, रिएक्शन जरूर आएगा इसका, लेकिन जीआईए क्यों नहीं है? जीआईए कवर जोन में बनती है, कवर जोन का मतलब उसको पहले जितना कवर कर चुका है ना मार्केट, उसी में एक स्पेस क्रिएट करता है, खाली स्पेस, उसको यूज करता है एज ए ग्रीड, बायर को ग्रीड देने के लिए, और नया कुछ नहीं करता, नया लेवल अचीव नहीं करता, बट यहाँ तो नया लेवल अचीव कर रहा है, यानी कि एक
फ्रेज दौड़ आ रही है, तो फिर ये क्या है, ये तो देखो कवर स्पेस है, इतना स्पेस कवर है, अगर इसके अंदर वो क्रिएट करता जीआईए तब तो हम मानते सही होता, लेकिन यहाँ जीआईए नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमें वो मिल रहा मोमेंट, और वो भी मोमेंटम इतना नहीं होता है कि लगभग इसको क्रॉस कर जाए, वो भी लगभग यहाँ तक कवर करता है तीसरे पायदान तक, तो ये जीआईए नहीं है, ये जीआईए है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख अब मार्केट देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ आया है तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, यहाँ बायर तो आते हैं, ऑब्वियसली बायर आते हैं, और वो ये देखते हैं कि मार्केट गैप फिल करेगा, और वो आते हैं तो उनको मार्केट निकालते हुए ऊपर भी जाएगा, जाना है ऊपर तो वो इनको निकालते हुए जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट रुक गया, जो लोगों ने इस मोमेंट में देखो बाइंग यहाँ नहीं हो पाती, कभी भी यहाँ नहीं हो पाती, यहाँ से रिट्रेसमेंट की वेट होती है, ये थोड़ा सा चेंजिंग मूव है ना, यहाँ से रिट्रेसमेंट की वेट होती है, और अचानक से जब ये निकलता है तो लोग ये ब्रेकआउट देख रहे होते हैं, ये ब्रेकआउट, और जैसे ये निकलता है ना तो लोगों की बाइंग यहाँ के आसपास हो पाती है, और मार्केट उनको प्रॉफिट नहीं लेने देता, यही मार्केट ठहर गया, और ठहरने के बाद में क्या किया मार्केट, देखो ये जो इस लेवल पे हैं वो इतनी दूर के ही हैं, और इतनी दूर के लोगों को यहाँ पे एक जोन बनाया, ये नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट फिर दिखाई दे रहा है, फिर से ब्रेकआउट दिखाई देता है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है इस लेवल को क्रॉस कर देता है, यानी कि ये फ्रेश ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेक इतना सा ब्रेक भी काफी होता है एक रिटेलर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वापस बाहर आता है और तुरंत उसका एसएल खा जाता है, तो क्या हो रहा है यहाँ के लोगों के एसएल खा रहा है, कुछ लोगों के एसएल यहाँ भी हो सकते हैं शायद, लेकिन यहाँ बाइंग इस एरिया की बाइंग की एसएल तो खा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो जीआईए कब बनेगा, अब मार्केट अगर अभी भी देखो मार्केट ठंडा नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ हीट में है ऊपर की साइड तो ठंडा कैसे होगा, मार्केट को एंगल ऐसा बनाना पड़ेगा, स्लेंट एंगल, ऐसा एंगल ऊपर के लिए बनाते हैं, ऐसा एंगल नीचे के लिए, अब मार्केट एंगल कैसा बना रहा, सीधा, तो फिर से जीआईए नहीं बन सकता, जीआईए बनाने के लिए स्पेस बनाना पड़ता है, एंगल ऐसा होता है, ये स्पेस बना है तो ये जीआईए बना है, यहाँ स्पेस नहीं बन रहा, कोई स्पेस नहीं बना रहा मार्केट, तो ये जीआईए नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं, अभी तक जीआईए नहीं बन रहा, हम जीआईए के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं पूरी। अब मार्केट नीचे जा रहा है, नहीं, देखो ये ऊपर गया मार्केट ने, अब क्या किया मार्केट ने, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जीआईए नहीं है, क्यों जीआईए नहीं, क्योंकि यहाँ कोई स्पेस नहीं आया, कोई खास स्पेस नहीं आया जिसको यूज करके मार्केट, बेशक ये एक क्लाइमेक्स कैंडल आई है, जैसे ये थोड़ा यहाँ पे सेलर आए होंगे उनका ऐसे लिया खा गया, लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट अब रिट्रेस कर सकता है, एक ब्रेकआउट है, शायद ये काफी ऊपर गया अब नीचे आ सकता है, उन लोगों को ट्रैप करते हुए यहाँ पे एसएल खा गया, लेकिन मार्केट अब एक चीज और देखो, एक एरिया होता है हाई एक्सपेक्टेशन का, तो ये एरिया कैसा है, देखो एक समय के बाद में मार्केट में ना एक जगह एक ऐसा प्लेस आता है, उस जगह के बाद में मार्केट देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि दोनों तरफ की कुछ ना कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ये गिरावट दिया था, काफी गैप डाउन था, लोग ये भी सोचते हैं कि नीचे जा सकता है, जब भी ये ऐसे मोमेंट देगा, ऐसे ब्रेकआउट देगा, ये जोन ब्रेकआउट दिया, ये वाला ब्रेकआउट दिया, तो लोगों की एक सोच मतलब एक तरफा सोच नहीं होगी, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, हाई एक्सपेक्टेशन एरिया, मतलब या तो ऊपर या नीचे का एक्सपेक्टेशन, यानी कि वन साइडेड मूव नहीं दिखाई दे रहा, तो हाई एक्सपेक्टेशन एरिया में मार्केट क्या करता है, लोगों से ओवर ट्रेडिंग करवाता है, यहाँ नीचे के लिए, यहाँ ऊपर के लिए, फिर नीचे के लिए, फिर ऊपर के लिए, फिर नीचे के लिए, कई बार उनके हौसले तोड़ता है, उसके बाद में मार्केट एक मोमेंटम दे पाता है, तो हाई एक्सपेक्टेशन जितना लंबा और जितना बढ़िया जितना मजबूत होगा उतना लंबा चलेगा, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन काफी देर तक परेशान करेगा, कई बार रिटेलर के एसएल खाएगा, वो ओवर ट्रेडिंग जोन हो जाता है, तो ये मार्केट का ओवर ट्रेडिंग जोन भी हो सकता है, यहाँ पे देखना इन लोगों को इन्वाइट किया, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, बट अपना कोई ग्रीड इम्पैक्ट नहीं बन रहा, अपने ग्रीड इम्पैक्ट पे सीधी सी बात है एक प्रॉपर स्पेस बनना चाहिए, एक तरफा मार्केट होता है ना, एक तरफा, देखो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बायर भी है, यहाँ पे सेलर भी, मैं जब कहूँगी यहाँ सेलर पूरे हावी है, यहाँ पे सेलर पूरे हावी, यहाँ बाइंग का कोई नहीं सोच पा रहा,
तो सेलर पूरे हावी हैं, तो अपना जीआईए अप्लाई हो गया, यानी कि बायर ना के बराबर है तो हम बाइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफा की सोच बोलूं तो फिर हम नहीं सोच पाते, जीआईए प्रॉपर नहीं बन रहा, प्रॉपर ग्रीड नहीं बन रहा, एक तरफा मार्केट नहीं बन रहा, दोनों साइड अगर पल्ला भारी है तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, और दोनों तरफ भारी भी है और दोनों तरफ बड़ी अपेक्षाएं करी जा रही हैं, हो सकता है कि ये लेवल तोड़ के नीचे मार्केट काफी नीचे चल जाए क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़ा खुला है, हो सकता है कि ये गैप कवर करे तो ये स्पेस भी बड़ा है, ये स्पेस भी बड़ा है, एक बार 50 पकड़ने भी आए तो ये स्पेस भी बड़ा है, तो यानी कि हाई एक्सपेक्टेड एरिया, यानी कि मार्केट थोड़ा सा पजल या ओवर ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओवर ट्रेडिंग का मतलब हाई एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो अब मार्केट दोनों तरफ थोड़ा बहुत परेशान करेगा और हम लोग परेशान होंगे, तो हम इस चीज को समझना सीखें कि हाई एक्सपेक्टेशन क्या है, जीआईए के अंदर हम उसको कैसे मैच करेंगे। तो अभी ये समझ में आ गया कि ये जीआईए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, और ये जीआईए क्यों है, क्योंकि यहाँ स्पेस है, यहाँ पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ देखो पैटर्न बहुत काम की चीज होती है, आपको देखना चाहिए। अब मैंने देखो पैटर्न में तेरे को एक और पैटर्न दिखाता हूँ, अपना एम पैटर्न कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे ये लेवल तोड़ता है तो मार्केट क्या करता है, तेजी से नीचे गिर जाता है। अब मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तेरे को डब्लू पैटर्न दिखाया था, ठीक है, ये डब्लू पैटर्न था, ये इसकी कामयाबी थी। अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बन रही है, मैंने यहाँ साइकोलॉजी बताई थी कि गैप फिलिंग की एक साइकोलॉजी आती है, ये एक साइकोलॉजी अपनी क्लियर हुई थी, लेकिन हम ट्रेड क्या करते हैं, हम देखते हैं साथ में मैनेजमेंट, साथ में स्ट्रेटजी। अब मैनेजमेंट क्या होगा कि छोटा सा एसएल, अब देखना ये एरिया अगर ये कहता है कि मार्केट चल पड़ा है अभी अपना गैप कवर करेगा, तो ये क्लाइमेक्स है नहीं है, मूव क्लाइमेक्स है, बट जीआईए नहीं है, ठीक है, जीआईए आफ्टर ब्रेकआउट नहीं बनता, हाँ थोड़ा सा ग्रीडी है, छोटा सा एक टारगेट लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोग अगर फंसे हैं इस एरिया में, ये चीज हमने फाइंड करी, तो अब हमारे सामने एक साइकोलॉजी क्लियर हुई, अब हमें एक पैटर्न मिल जाए तो बढ़िया है। अब मैं एम पैटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ एम पैटर्न है, देखना अब एम पैटर्न कैसे हुआ, ये एक लेग बनी, ये तेजी से डाउन आया, ये दूसरी लेग बनी, ये आया, बस एम हो गया। अब एम की ट्रेप देखनी है, तो ये उसका ट्रेप हो गया, बस इतना सा ही चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल एग्जेक्ट होने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जेक्ट होने की। एम पैटर्न में एसएल क्या है, ये एरिया, इनको निकलने नहीं देगा जब तक इनके एसएल नहीं खाएगा, एसएल इनके बनाए हैं अभी, तो अब खाएगा और ये अपना टारगेट हो जाएगा। सोचो आपको एक से दो पॉइंट के ऊपर यहाँ ट्रेड मिलेगी, जस्ट इसके ब्रेक होते ही कर रहा हूँ, ब्रेक ना हो तो मत लो, ब्रेक होते ही जस्ट कर रहा हूँ, ये एसएल हो गया और ये आपका एंट्री हो गया और ये आपका टारगेट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एम ट्रेप। और ये मैं सिर्फ ये क्या हुआ अपना स्ट्रेटजी, एम ट्रेप अपनी स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट क्या हो गया, ये छोटा सा एसएल बड़ा टारगेट, ये हो गया अपना रिस्क रिवार्ड स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। और पहला है एम ट्रैप इन एडवांस हो गए, हाँ एडवांस क्या हो गया, एडवांस का मतलब पहले हो गया ना, एम ट्रैप से पहले की ट्रेडिंग ले रहे हैं ना अपन इसमें, क्यों पहले कहाँ ट्रेडिंग ली, एम ट्रैप यही तो बताया मैंने, एम ट्रैप नीचे से भी तो होगा ना, एम ट्रैप नीचे से कैसे होगा, वो तो डब्लू था ना नीचे वाला, तो नहीं एम पैटर्न ही होता है वो, अभी एम पैटर्न फिर मार्केट टूट जाता है। अरे भाई मेरे, ये ऊपर के लिए है, ये नीचे के लिए है, तेरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं वो तो सही है नीचे के लिए, लेकिन आपने ना जो एडवांस में ले लिया ऊपर की तरफ, कहां पे लिया मैंने ऊपर की तरफ, जहां पे आपने ट्रेड बनाई है ना, ये वाली सेकंड वाली, ये वाली नहीं, ये नहीं, ये ऊपर वाली, हाँ ये यही तो, ये एडवांस में ही तो है, एम ट्रेप तो थोड़ा नीचे आके होगा, एम ट्रेप के अनुसार अगर अपन ट्रेड ले तो बता, एम ट्रेप होता क्या है पहले मुझे बता, ये एम पैटर्न बना, इस दो तरीके से एम ट्रेप बनता, मैं बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन की जरूरत होती है, एक ट्रेप कई बार ऐसे करता है
और मार्केट गिर जाता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बायर को इनवाइट करता है। अब वहां पे माहौल देखा जाता है, साइकोलॉजिकल माहौल, और वहां पे प्राइस एक्शन देखा जाता है। तो मैं ये वाली चीज सिखाता ही नहीं जिसमें थोड़ी पेचीदगी है। दूसरा एम ट्रेप होता है ये वाला, ये वाला, जस्ट इस एरिया को ब्रेक करे ना, आप उस ब्रेक पे तुरंत ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएल जस्ट इसका नजदीक हो जाएगा, यही गैप, और ये एम ट्रेप हो गया। यहाँ पे बायर्स आते हैं और यहीं से मार्केट उसका एसएल खाता है, और ये एक स्केल्पिंग विधि है, क्विक स्केल्पिंग विधि। अब समझो यहाँ पे एम ट्रेप में आपको बेस्ट एंट्री मिलती है। एडवांस क्या हो गया फिर, तुम लेना कहाँ मानते हो, यहाँ लोगे क्या एम ट्रेप? यहाँ तो टारगेट हुआ है, खत्म हो गई कहानी एम ट्रेप की। यहाँ पे ये स्केल्पिंग है, क्विक स्केल्पिंग है। एम ट्रेप का मतलब ये नहीं है कि अब ये नीचे जाता रहेगा, ये एरिया में यहाँ के बायर्स के एसएल खाएगा, बस एम ट्रेप का मकसद उतना होता है। और इतनी ही साइकोलॉजी थी यहाँ पे, सिर्फ बायर आए हैं उनका एसएल खाया, खत्म। साइकोलॉजिकल, यहाँ साइकोलॉजिकल पावर अच्छी थी क्योंकि एसएल्स के कई रास्ते मिल रहे थे, यहाँ के लोग ट्रेप थे, यहाँ के लोग ट्रेप थे, अब उस एरिया में हम बड़ा टारगेट देख सकते हैं। बट यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ के बायर्स को देखा जा रहा है ना, और अपना कोई यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजी सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न थोड़ी था, यहाँ पे तो जीआईए एरिया भी था, यहाँ जीआईए एरिया नहीं है, साइकोलॉजिकल पूरी मतलब स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी है लेकिन पैटर्न मिल रहा है, साइकोलॉजी और उसके बाद में मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी तीनों मिल रही है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है कि मार्केट को पूरा गिरा दे। तो कहने का मतलब उसी हिसाब से हम ट्रेड बना रहे हैं। और एम ट्रेप हमें कितना टारगेट देता है, ये देता है। और कई बार एम ट्रेप के साथ में अगर साइकोलॉजी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो, जैसे डब्ल्यू के साथ में मिली, तो आप टारगेट 50 तक का भी ले सकते हो नीचे में। अलग अलग जगह पे थोड़ा देखो जजमेंट करना पड़ेगा, हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो कम्प्लीटली किसी चीज को पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर सकते, स्टेप टू स्टेप नहीं कर सकते, ये स्टेप वो ऐसे करेंगे, उसके साथ में हमें अपनी चीजों को कंबाइंड करना आना चाहिए। जैसे साइकोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये जानना आना चाहिए, मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क रिवार्ड कितना छोटा है ये जानना आना चाहिए, ठीक है। मैं जीआईए की बात कर रहा हूँ, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वाला आपको दो पैटर्न मिल गए हैं, दो ट्रेडे मिल गई हैं, आगे चलते हैं। अभी भी मैंने क्या कहा, ये जीआईए नहीं है, और मैंने तेरे को क्या कहा था, याद रखना इस चीज को, ये एरिया हाई एक्सपेक्टेशन का एरिया है, मतलब सिर्फ ट्रेप करेगा और हम क्या करेंगे, उनका फायदा उठाएंगे। मैं यहाँ कोई और विधि नहीं बता रहा ऊपर के लिए, ये विधि बनी अपने नीचे के, अपना टारगेट हो गया, यहाँ पे बनी अपन ऊपर ले गए, यहाँ पे अभी अपनी कोई विधि नहीं है, अब हम शांत बैठेंगे। ये वाला देखना एरिया ब्रेक किया, न अपना कोई जीआईए है, न अपना कोई साइकोलॉजी है, लेकिन थोड़े बहुत बायर फिर से आएंगे, जैसे ये ब्रेक करेगा ये एरिया ऐसे ब्रेक करके ऐसे जाएगा, थोड़े बहुत बायर आएंगे, फिर उनको परेशान करेगा मार्केट, करेगा ना। लेकिन अपना अभी देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी थी फ्रेश ब्रेकआउट की, यहाँ नहीं है तो हम एक तरफा नहीं हो पा रहे, तो हम कोई प्रॉपर चीजें अपने तीनों नहीं मिल रही, तीनों चीजें क्या, अपनी को साइकोलॉजी मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट मिलना चाहिए और स्ट्रेटजी, तीनों चीजें नहीं मिल रही हैं प्रॉपर। साइकोलॉजी 10-20% मिल रही होगी, बाकी चीजें नहीं मिल रही हैं तो हम नहीं लेंगे। स्ट्रेटजी भी मिलनी जरूरी होती है, हजार जगह ट्रेड नहीं करना, ट्रेड कुछ जगह करना, लेकिन पकने दो मार्केट को, तैयार होने दो, आगे देखते हैं हम मार्केट। अब देख क्या कर रहा है मार्केट, हाई एक्सपेक्टेशन ध्यान रखना, हाई एक्सपेक्टेशन एरिया कैसे ठंडा करेगा मार्केट को, ये एरिया के एसएल नहीं खाए अभी, क्या कर रहा है यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एम पैटर्न में बाय करवाया, बाय करा के उनके एसएल खाए, इस एरिया में ये वाला ब्रेकआउट दिखाया, फिर से बाय कराया। अब देखो दोनों तरफ की साइकोलॉजी हो रही है, मार्केट नीचे जा सकता है, ये वाली चीजें देखने के बाद में इतना बड़ा ऊपर जा रखा है, रिट्रेसमेंट का भी एक साइकोलॉजी होती है, दूसरी साइड से क्या साइकोलॉजी हो रही है, मार्केट ऊपर जा, अब दोनों तरफ की लड़ाइयां चल रही हैं, कॉल और पुट, यानी कि बायर और सेलर, और ऐसा है दोनों की टक्कर के साथ में हाई एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि मार्केट दोनों तरफ अच्छा जा सकता है। तो ऐसे एरिया में मार्केट क्या करता है, थोड़ी देर पोज ले लेगा, उनको थकाएगा, ओवर ट्रेडिंग कराएगा, ये ओवर ट्रेडिंग के रीजन से ऐसा लगे, ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये ऐसा लगे, ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये ऐसा लगे, और मार्केट में वो इतना कमाता नहीं है, यहाँ अगर थोड़ा बहुत उसने बाय करके कमाया भी होगा ना किसी ने, तो वो यहाँ उसे ज्यादा खो देता है।
ये ओवर ट्रेडिंग होती है, इससे बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कौन सा हाई एक्सपेक्टेशन एरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से मार्केट में देखो अभी चीजें ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मार्केट जाएगा सब जगह थका के जाएगा। अब क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ये क्लाइमेक्स दिख रहा है, हमारा जिया ये कहीं नहीं बन रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, फिर भी जिया ये कहीं नहीं बन रहा। लेकिन अब ये ब्रेकआउट दिखा था, ये सेलर को इन्वाइट कर रहा है, सेलर के एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ सेलर, यहाँ देखो, यहाँ सेलर, यहाँ बायर, यहाँ सेलर, यहाँ बायर, यहाँ बायर, और ये अपना ओवर ट्रेडिंग जोन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या किया, अब देखो तुम समझो, ये अब कवर कर दिया है इसने, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, दो बार मार्केट थकाता है, तीसरी बार में वो करता है। जैसे कहते हैं ना कि अब कोई गांव में ऐसे बोलता था शेर आया शेर आया, एक बार विश्वास नहीं करते थे, दो बार विश्वास नहीं करते थे, झूठ बोलते, तीसरी बार में सच में शेर आ जाता था। तो यहाँ क्या हुआ, बायर्स को यहाँ ट्रेप किया, बायर्स को यहाँ ट्रेप किया, और अब लोग हो गए हैं सावधान। इस तरीके से सावधान हो गए हैं कि अब की बार थोड़ा सा मैं सस्टेन होके रिटेस्ट करके ब्रेकआउट होगा तब मैं बाय लूंगा, क्योंकि एक बार चोट खाया, एक बार चोट खाया, ओवर ट्रेडिंग का हिसाब बढ़ना, मार्केट को जाना है। मैं नहीं कहता मार्केट को इधर नहीं जाना हो सकता या इधर नहीं जाना हो सकता, अपने लिए तो अभी तक यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं बनी, नहीं बनी ना, हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे, हमारी जो ट्रेडें बनी हमने कर ली, ये हम कैश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। लेकिन रिटेलर के साथ मार्केट ने क्या किया, माहौल कैसा तैयार किया, यहाँ सेलर वापिस से भरे, ये ब्रेकआउट दिखा के उनको कैसे ट्रिप किया। अब यहाँ सेलर तो भरे, वो सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, परेशान कर रहा है मेरा, इधर भी एसएल खा गया, इधर भी खा गया, इधर खा गया। वही रिटेलर सेलर बन जाता है तो सोचता है कि मैं थोड़ा वेट करता हूँ, वापस नीचे आ जाएगा मार्केट, और मार्केट ऊपर चला जाता है। और जो बायर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मार्केट दो बार हमें थका चुका है, हो सकता है कि अब की बार थोड़ा सा मैं सस्टेन करता हूँ, एक ब्रेकआउट मिल जाए, रिटेस्ट में मेरे को मिलेगा, मैं बाइंग कर लूंगा। तो कर क्या रहा है मार्केट, अब उन सब की होप को तोड़ के मार्केट ने ब्रेकआउट भी ऐसे देता है क्लाइमेक्स, जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया था। अब यहां तक तो ये सल्टेंगे रिटेलर जो दोनों तरफा ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, अरे यार ये क्या हुआ ये हुआ, वो निकलने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कहीं एंट्री का सोचेंगे, और जब वो एंट्री करेंगे गैप फिलिंग वाला एरिया पूरा हो चुका है और उनको पता भी नहीं चलेगा गैप फिलिंग हो गई है। यहां तक, यहां से लेके मार्केट ने ये दूरी तय कर भी ली है और रिटेलर को आने भी नहीं दिया, हवा भी नहीं लगने दी उनको, एंट्री भी नहीं करने दी, समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत कम लोग यहां तक ले जा पाएंगे अपने ट्रेड को। ये पूरा पूरा एक गेम होता है साइकोलॉजिकल, मार्केट को गैप कवर करना है तो कैसे करना है और किस तरह से रिटेलर को थकाता है। अब मैं बोलता हूं ना, मार्केट हमें सिखाता है, इसी तरीके से सिखाता है, इसी के नोट्स बना लो। मार्केट ने मुझे सिखाया, मैं थोड़ी कह रहा था, सुबह मैंने ये बोला था कि मार्केट ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा, सारे मार्केट के मूव क्या प्रिडिक्ट कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट ने कैसा माहौल बनाया और मुझे उसका फायदा कैसे उठाना है। कैसा माहौल बनाया, मेरे को तो ये ट्रेड नहीं मिली, नहीं मिली ना, लेकिन मेरे को इतनी ट्रेड मिल गई, मेरे को इतनी ट्रेड मिल गई, बहुत है, ये मत मिलो चाहे। और अगर हम इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक निकालेंगे, मेथड निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको भी बना लेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी हर ट्रेड करना ही, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अपना जीआईए बना या नहीं बना, अपना जीआईए नहीं बना यहाँ पे, अपना जीआईए बना यहाँ पे, अभी भी, अब आगे भी देखेंगे हम जीआईए बन रहा नहीं बन रहा, बनेगा तो मैं बताऊंगा, यहाँ भी जीआईए नहीं बन पाया था। ठीक है, तो जीआईए के ऊपर भी बात हो रही है कंप्लीट, और भी चीजें साथ साथ तेरी क्लियर हो रही होंगी। अब मार्केट देखो आगे जा रहा है, जा रहा, लेकिन अब तो वापस कवर कर गया ऊपर की साइड, तो जीआईए बनने का चांस ही नहीं है। क्या ये जीआईए एरिया हो सकता है, अगर अभी ऊपर जा रहा है तो क्या नीचे के लिए ये जीआईए एरिया हो सकता है या नहीं? ऊपर जा रहा है ये मार्केट है, बताओ बताओ बताओ, क्या क्या बताना है, क्या ये जीआईए एरिया है कि नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं, मतलब तुम्हें सीखना है तो तुम्हें अपने आप से सोचना आना चाहिए। मैं बोल दूंगा है
और उसके रीजन दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं, मैं बोल दूंगा नहीं इसके रीजन दूंगा कोई मतलब नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए जिया ये है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। जब मार्केट ने ये स्पेस क्रिएट किया, इस स्पेस को यूज किया, तो मार्केट का ये जिया ये एरिया है कि या नहीं? ये रिट्रेस किया और ये जीआईए है, ये जीआईए ये नहीं है। अब क्यों? है तो क्यों है बता मेरे को। इसमें ये स्टार्टिंग में देखो मार्केट ऊपर की तरफ भग रहा है, ये 11:35 से लेके 12 बजे तक, 12:20 तक, यहाँ से ऊपर तक। हाँ यहाँ से ऊपर तक भग रहा है, फिर वहां फिर ठीक है क्या? मैंने मान लिया ये ग्रीड है, ठीक है। अब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या ये प्रॉपर इम्पैक्ट है? देखो मैं ये कहता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रीड इम्पैक्ट एरिया की और भी कई सारी लेयर हैं। मार्केट को ठंडा होने दो, एक टाइम लगा के ठंडा होने दो, यहाँ एक टाइम लगा के ठंडा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कई सारी वेव बनी है। क्या यहाँ वेव बनी, मार्केट हुआ नीचे आया ऊपर चला, ऐसा ही तो कर रहा है, आया नीचे आया ऊपर चला। मार्केट को ठंडा होने के लिए वेव बनने दो वहां, और वेव भी गिरावट की साइड में ऐसे, मतलब अगर ऊपर की साइड देख रहे हैं हम तो ऐसे वेव बनने दो ऐसे, और एक स्पेस क्रिएट करने दो। ऐसा क्विक स्पेस की बात नहीं करता मैं, ये आया फिर वापिस चल दिया, ये क्विक स्पेस की बात नहीं करता मैं, समझो। ये जी आई ये क्यों नहीं है? पहली बात तो ये फ्रेश ग्रिड नहीं है, ग्रिड कहीं और भी है, ग्रिड कहीं और भी है, ये उस ग्रीड का कंटिन्यूएशन है। एक समय के बाद में ग्रीड भी हल्की हो जाती है, उसकी पावर भी हल्की हो जाती है। अगर मार्केट कंटिन्यू चलता है तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। दुनिया लोग ये सोचते हैं कि अब ये कवर कर चुका है, अब ये रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से सोच रहे थे रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ भी सोच रहे हैं रिट्रेसमेंट करेगा। तो ये प्रॉपर ग्रीड इम्पैक्ट एरिया न होने की रीजन क्या हो गया? क्योंकि ये फ्रेश ग्रिड नहीं है, यहाँ पे फ्रेश ग्रिड थी, ये उसका इम्पेक्ट था, ये कंटिन्यूएशन हो गया यहाँ के बाद में, कंटिन्यूएशन। यहाँ अटेम्प्ट किया बट यहाँ जीआईए नहीं बना, जीआईए नहीं बना तो ये वाली जगह जीआईए बनने के लिए थी, अगर सही बनती तो हम ऊपर के ले लेते, नहीं बना हमने नहीं लिया, अब ऊपर जा रहा है तो ये सेकेंड टाइम की अटेम्प्ट है, तो क्या ये जीआईए बन सकती? बन सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट को इस दोनों तरफ की जो आग है, जो ज्यादा हीट है, यहाँ भी हीट थी, मार्केट हीट में था, यहाँ भी मार्केट हीट में है, तो मार्केट को पहले ठंडा होने दो ना, एसएल्स क्रिएट करने दो, एसएल एरिया क्रिएट करने दो, और ठंडा जितना ज्यादा गर्म है उतना ज्यादा उसको ठंडा होना पड़ेगा ग्रेड इम्पैक्ट बनाने के लिए, उसे बहुत देर तक ठंडा होना पड़ेगा, फिर एक फ्रेज तोड़ देनी पड़ेगी, उसके एवज में यहाँ पे पैनिक प्रेशर क्रिएट होगा, उस एरिया से हमें अच्छा टारगेट मिलने के चांसेस रहेंगे। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब मैंने क्यों बताया ग्रीड इम्पैक्ट एरिया क्यों नहीं है, सिर्फ लोगों की एक ऐसी सोच ये भी होती है कि ये एरिया कवर कर चुका अब मार्केट रिट्रेस करेगा, यानी कि साइकोलॉजिकली इनबैलेंस हो रहा है, यहाँ बाइंग कौन देखेगा और सेलिंग कौन देखेगा? मार्केट में सेलिंग की साइड ज्यादा लोग अभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मार्केट सेलिंग की साइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने विदाउट रिट्रेसमेंट, प्रॉपर रिट्रेसमेंट, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ भी कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिया नहीं है, मैं कैसे बोल दूं ये रिट्रेसमेंट है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, ये तो ओवर एक्सपेक्टेड एरिया था ऊपर और नीचे के लिए, रिटेलर्स को बार बार ट्रेप किया गया, उसके बाद में यहां तक चला भी गया, लोगों को भनक भी नहीं लगी, लोग अपने एसएल ही निकालते रह गए, यही चीज तो होती है रिटेलर के साथ में, और उसके बाद में भी मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद में वो क्या बन जाएगा, अगर वो ठंडा नहीं होगा ना, माहौल को ठंडा नहीं करेगा, वापिस ओवर एक्सपेक्टेशन, अभी यहाँ ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, हाँ एक साइड की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, डाउन साइड की, एक रिट्रेसमेंट की नीड हो सकती है मार्केट को, और इन चीजों में सिर्फ इतना सा मार्केट देखना नहीं होता, समझ के लिए आपको पीछे के मार्केट, दो दिन एक दिन के मार्केट, बड़ी टाइम फ्रेम भी देखनी होती है अगर प्रॉपर डेप्थ में जाना होता तो, लेकिन ठीक है यहाँ के मार्केट के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जिया ये बन ही नहीं सकता जब तक मार्केट कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा ठहर के उसको ठंडा न करे, कोई वेज टाइप न बनाए, फिर उसकी ट्रेपिंग के साथ में ऊपर ना चले, तो जिया ये नहीं हो सकता।
और उसके बाद में भी मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अभी हम जीआईए नहीं बनाएंगे और न अपना कोई मेथड बन रहा, बट हमें यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है मार्केट में। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? डबल टॉप, ठीक है। अब एक लेवल आ रहा है अपने पास, यहाँ डबल बॉटम, यहाँ आ रहा है डबल टॉप, लेकिन जीआईए नहीं है। मार्केट हो सकता है कि इधर कुछ लोगों को इकट्ठा भी करे तो उनको निकाल दे, और नहीं भी निकाले। अभी गेम ऐसा है कि मार्केट को कुछ देर, ज्यादा देर ठहरना होगा ना। देखो क्या होता है, कई बार एक रेंज ये बन जाती, एक रेंज ये बन जाती, जरूरी नहीं यहाँ बायर इकट्ठा किए तो उनके ऐसे लिए, यहाँ अभी खाएगा, अभी वो ऐसे करके फिर बायर इकट्ठा करता है, ऐसे करके छोटे छोटे एसएल, ये एसएल नहीं खाता और उसके बाद में अचानक से तोड़ता। तो होने वाले पूरे माहौल को हमें डेप्थ में जाके समझना होता है कि मार्केट ने क्या किया साइकोलॉजिकली। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ये एरिया डबल बॉटम, ये एरिया डबल टॉप, इस मार्केट ने इसको तोड़ा, इस जगह से इस जगह का अपना फीबो मिला, कुछ नहीं किया इसने। अपन जैसे फीबो की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो फीबो की एक इंपॉर्टेंस होती है, वो वही क्रिएट करी है यहाँ पे। क्योंकि हम देखेंगे, देखो नीचे के लिए हम कब देखेंगे, जब फीबो का एरिया टूट जाएगा, उसके बाद में भी कोई संभावना बनेगी तब देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने बेकार के लेवल हटा देते हैं जिनका हमारा कोई यूज ही नहीं। ये सारे लेवल हम यूज नहीं करते हैं, ये भी नहीं यूज करते हैं, ये सब चीजें हटा के सिर्फ हमें मार्केट चाहिए होता है। इसको भी थोड़ा हल्का कर लेता हूँ, ऐसा चाहिए और मार्केट में पजलनेस ना हो, इसलिए मैंने इस एरिया को भी इतना सा मार्क कर देता हूँ, ये एरिया बस। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये एरिया ब्रेक दिखा रहा है, ब्रेक दिखा रहा है, अब दोबारा से वही दिखा रहा है कि सेलिंग की साइड आ जाओ, मार्केट ये गैप कवर कर चुका है, अब मार्केट रिट्रेसमेंट की साइड आ रहा है। और मार्केट क्या करता है, एक ब्रेकआउट दिखाएगा शायद यहाँ पे, देखेंगे अगर प्रॉपरली मैं एक लाइन बनाता हूँ। देखो मार्केट क्या सिखा रहा है वो सीखना है मार्केट की। एक मिनट आता हूँ मैं, एक मिनट आता हूँ, चल ठीक है आ जा। अब देख मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे एक तो बनाया है डबल टॉप, डबल टॉप, ठीक है, ये डबल टॉप है, और डबल टॉप जो भी होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, डबल टॉप डबल बॉटम जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। डबल टॉप मैंने क्या बताया हुआ पहले तेरे को, डबल टॉप क्या होता है, जो पहले कितने सेशन में कितनी बार बताया होगा, डबल टॉप क्या होता है, क्या होता है डबल टॉप, जहाँ पे दो बार मार्केट आके रुकता है। अरे मैं ये थोड़ी पूछता हूँ कि डबल टॉप क्या कैसे बनता है। डबल टॉप एक बैरियर होता है, एक दीवार होती है जो मार्केट में एक हमें व्यू क्रिएट करती है कि मार्केट इसके बाद नीचे जा सकता है, समझ में आ रही बात मेरी, ये चीजें कितनी बार वीडियो में मैंने तेरे को बता दी। डबल टॉप हमें व्यू क्रिएट करती है कई बार कि मार्केट शायद अब ऊपर का नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट ऊपर का नहीं है, लेकिन डबल टॉप के अगर बनता है तो डबल टॉप से हमें एक ऐसा लगता है कि मार्केट ने एक बैरियर लिया, सेम जगह से सेलर यहाँ से एक्टिवेट हुए थे, सेम जगह से सेलर यहाँ एक्टिवेट हुए थे, लेकिन एक्चुअली में अभी तक हम कुछ नहीं कह रहे कि न मार्केट बाय का न सेलिंग का, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सेलिंग की करी जा रही है। लेकिन अगर डबल टॉप मुझे ये कह रहा है कि मार्केट अगर बाइंग का नहीं है तो फिर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि सेलिंग का कैसे बने और बाइंग का होगा तो कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद में देखना, एक ये ब्रेकआउट मिलता है, ये रीटेस्ट मिलता है, दोबारा से मार्केट नीचे की साइड जाने लगता है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता है और साथ में अपना 50 मिलता है, ये लेवल क्रॉस हो रहे होते हैं, इसी लेवल की टेस्टिंग आती है लगभग, ठीक है। यहाँ पे सेलर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपने जजमेंट से कि यहाँ पे अपना फीबो का लेवल आ रहा है तो हम सावधान रहते हैं। हम देखते हैं कि ये वाला ब्रेकआउट के बाद में अगला ब्रेकआउट नजदीक है तो ये ट्रैपिंग हो सकता है, तो हम सावधान रहते हैं, तो हम सेलिंग नहीं करते, तो सेलर यहाँ फंसते हैं। अब ये वापस से कैसा एरिया होने लग गया, ओवर एक्सपेक्टेड, मतलब हाई एक्सपेक्टेड एरिया होने लग गया, तो मार्केट थोड़ा ठहरेगा यहाँ पे, इस जगह से मार्केट थोड़ा ठहरेगा, हाई एक्सपेक्टेड एरिया फिर से हो रहा है, क्योंकि एक तरफ उम्मीदें करी जा रही है, अब सेलर और बायर दोनों की उम्मीदें जगने लग जाएंगी, सेलर की उम्मीद तो जग चुकी है यहाँ से सेलिंग करने लग गए,
अब बायर की भी, अब दोनों को थोड़ा ट्रेप करेगा और जो भी डायरेक्शन में जाएगा हम देखेंगे, अगर ये वाला एरिया थोड़ा ठंडा कर देता है उसके बाद में कोई ग्रीड पैदा करता है तो ये नीचे जा सकता है यहाँ तक के एसएल खाने के लिए, क्योंकि इस एरिया में जो बायर्स हैं या इस एरिया में जो बायर आएंगे और यहाँ के बाद में जो ऊपर जाएगा मार्केट अगर ठंडा होके बाद में बायर करेगा तो उन सबको आउट करने के लिए नीचे भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट क्या करेगा आगे, मतलब अभी आगे का जो मूव होने वाला उस मूव के ऊपर हम ये तय करेंगे कि अब मार्केट कहाँ जा सकता है। फिलहाल फिलहाल मार्केट कहीं नहीं है, मार्केट एक जगह रुका हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कोई ग्रीड इंपैक्ट एरिया नहीं बन रहा है फिलहाल, और कुछ भी मतलब यहाँ पे एक ट्रैपिंग जरूर दिखाई दी नीचे से हमें, यहाँ वाली हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से एक ब्रेकआउट रिटेस्टिंग, या देखो ये वाला एरिया का ब्रेकआउट रिटेस्टिंग के बाद में इस तरह से ट्रैपिंग तैयार होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट में अभी मुझे न ऊपर की उम्मीद है न नीचे की उम्मीद है, एक उम्मीद ये है कि बेशक ये डबल टॉप बना है तो शायद ये लेवल अभी नहीं तोड़ेगा, कहीं ना कहीं वो पीछे से एक बैरियर भी था जो गैप फिलिंग वाला बैरियर भी था। तो अब चेजिंग की बात करें तो ये चेजिंग है और कहीं ना कहीं यहाँ से भी चेजिंग है, लेकिन मार्केट अगर इसको एक जगह पर रुक जाता है काफी देर तक तो मार्केट चेजिंग से हटके नॉर्मल पोज पे आ जाता है, उसके बाद में वो कोई भी डायरेक्शन तय कर सकता है। अगर वो हाई एक्सपेक्टेड एरिया बन जाता है तो हाई एक्सपेक्टेड ओवर ट्रेडिंग जोन बनने के बाद में एक मतलब मूवमेंट कहीं भी आ सकता है, तो हम अब वो चीज हम देखेंगे। हमें अभी तक ये पता है कि ये डबल टॉप है, ठीक है, यहाँ पे सेलर ट्रिप हुए हैं और अब ये एरिया यहाँ से और यहाँ का एरिया लेंगे तो दोबारा से अपने को कौन सा फिबो मिलेगा, फिबो 50 मिल जाएगा। ये एरिया वापिस से लेते हैं हम और यहाँ तक का लो जो मारा था वो लेते हैं तो फिर से एक फिबो की इम्पोर्टेंस निकल के आ रही है, और फिबो की इम्पोर्टेंस फिर दिखा देता हूँ मैं तेरे को। अभी भी दोबारा देखेंगे, ये एरिया लेते हैं और ये एरिया लेते हैं और अब वापिस से फिबो निकल के आ रहा है। एक बार क्लास कंप्लीट करो, ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये फिबो ये फिबो ये फिबो, मार्केट हाई एक्सपेक्टेड में क्या करता है, फिबो टू फिबो ही डोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ट्रेपिंग करेगा, यहाँ वालों के एसएल भी खाएगा, अब एसएल उनके तैयार होने लग जाएंगे सेलर्स के, ये एरिया दे रहा है एसएल बनाने के लिए, पहले ये एरिया था अब ये एरिया दे रहा है, ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा, डबल टॉप जो बना ना ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन इन लोगों के एसएल तैयार कर दिए, अब वापिस आएगा तो ये लोग अपना एसएल यहाँ रख सकते हैं तो वो एसएल खाएगा, उस एसएल के खाने के बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाई देगा, उस ब्रेकआउट के बाद में ग्रीड आएगी, उस ग्रीड के इम्पेक्टेड में मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने जब ये ग्रीड की थी उसके बाद में मार्केट अब ठंडा हो चुका है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो अब ग्रीड हो सकती है, यानी कि मार्केट आधा घंटे से ज्यादा ठहर चुका है। ठीक है, चलो हम देखते हैं यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है, अब मार्केट को आगे करते हैं। देखना मार्केट ने क्या किया, ये देखते हैं यहाँ देखो, इतने में मार्केट ने क्या किया, ये एरिया अभी ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे एक मारा बाजू कैंडल दिखाई है, यहाँ से ये एरिया वापिस से ब्रेकआउट दिखाया था, यहाँ पे वापिस से सेलर ट्रिक पे वापिस मार्केट ऊपर की साइड आया, ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अभी तय नहीं करेंगे, ये मोमेंटम आ जाता है तो मैं ये जरूर तय कर दूंगा कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये मोमेंटम आ जाता है ना एक कैंडल भी अगर स्पाइक की आ गई तो मैं ये तय कर दूंगा कि मार्केट जरूर नीचे जाएगा, फिर यहाँ के एसएल नहीं यहाँ तक के एसएल भी खा सकता है, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये जोन था और ये जोन ऐसे दिखाई देगा, ये तो 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में कुछ कैंडल्स यहाँ वैसे दिखेंगी, तो अब हम क्या देखेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाता है जैसे अब देखते हैं, अभी देखो रुका हुआ है, नहीं अभी भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाने का कह रहा था ना, तो मतलब रिटेलर की सोच होती है यहाँ से ऊपर जाने का, अगर ये एक और बन जाता तो अपना जीआईए बन जाता, फिर जीआईए बन जाता, फिर ये परफेक्ट बाइंग बन जाती, अभी भी देख रहे हैं कि मार्केट ठंडा हो रहा है थोड़ा और ये लेवल को ब्रेक भी कर रहा है, इसी लेवल के आसपास मार्केट ठहर रहा है, देखते हैं क्या करता है। नहीं देखो ये नीचे पहले ही नीचे आ गया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये वाली सेलिंग थी। आपने कैसे प्रेडिक्शन किया कि भाई ये डाउन जाएगा, ये मैंने कैसे एक्सपेक्टेशन, देखो डाउन जाएगा लेकिन मैंने कब कहा कि ये डाउन,
अभी जाएगा, मैं सोच रहा था कि एक मोमेंटम और ऊपर मिल जाए तो ज्यादा बेटर हो जाता फिर डाउन के लिए। मैंने एक्सपेक्टेशन कैसे किया डाउन के लिए, क्योंकि मार्केट ने देखो ये जो डबल टॉप बनाया एक रीजन ये था, ठीक है, एक रीजन ये था, और मार्केट ने ये वाला माहौल ठंडा कर दिया था, उसके बाद में इतना ही ब्रेकआउट दिखाया, थोड़ा सा और ग्रीन। मैं भी मारा बाजू देख के बोला भाई, मारा बाजू ऊपर नीचे से वो ये हो गए भी विक बना रहा है नीचे की तरफ वीक होती है तो ऊपर की तरफ जाता है। ये तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था, ये ओवर एक्सपेक्टेड एरिया है, हाई एक्सपेक्टेशन वाला एरिया है, तो मार्केट दोनों साइड से हाई एक्सपेक्टेशन में क्या करेगा, यहाँ सेल करवाएगा, यहाँ बाई करवाएगा, यहाँ सेल कराएगा, यहाँ बाई करवाएगा, उसके बाद में एक्चुअल में अपनी दौड़ पूरी करेगा। लेकिन हमारे लिए ग्रीड इंपैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा और ये इस लेवल तक मिल जाता 70% तक, यानी कि इस 50 को तोड़ता हुआ दिखाई देता, तो ये ग्रीड बन जाता, तो ये पैनिकली आता नीचे, फिर ये लेवल ऐसे जैसे ये लेवल ऐसे करेंगे ना ये ब्रेक होगा, तो यहाँ से पैनिकली आता और मार्केट यहाँ तक कैसल खा जाता, लेकिन इसने ये काम पहले ही कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अब ये एसएल खाने के बाद में ये नहीं कि नीचे ही जाएगा, मार्केट नीचे का नहीं है, ये सारा काम करने के बाद में मैं नीचे का मार्केट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एसएल हंटिंग हो रही है, ये सिर्फ एसएल हंटिंग, यहाँ तक कि एसएल खाने के बाद में वापस मार्केट ऊपर का हो जाएगा। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट परेशानी तो करता है और अभी भी क्या कर रहा है, अब देखेंगे आगे क्या कर रहा है। देखो वापिस यहाँ रुका, अब मार्केट क्या कर रहा है, ये एरिया से ये एरिया में वापिस पहुंच लिया, ये एरिया का ब्रेकआउट देगा और ऊपर आराम से चल पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेप कर चुका है लोगों को ये, वैसे फ्यूचर में ये एसएल खा चुका होगा, इंडेक्स में नहीं खाया लेकिन फ्यूचर में और नीचे आ गया एसएल खा चुका होगा। ये लो यही हुआ ना, मैंने क्या कहा था कि मार्केट क्या है, ये आया है एसएल हंटिंग की है और वापिस ऊपर चल पड़ा, और ऊपर कितना जाएगा ये एरिया पे जाके पहुंच हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है इसको, ओवरऑल इसी एरिया में रुक गया क्योंकि अपनी एक्चुअल चाल दे चुका था। आवाज क्यों आ रही इतनी पीछे, अभी देखते हैं आगे क्या करता है, एक सेकेंड। ये मार्केट यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन मार्केट खत्म होते होते क्या देखे गया, ग्रीड तो देखे गया है ना ऊपर के लिए ग्रीड तो देखे गया है, लेकिन अभी भी ये लेवल कवर नहीं किया है, ये लेवल पूरा पूरा कवर नहीं किया, इसी के आसपास है, लेकिन यहाँ ग्रीड क्रिएट हुई है, ये वाली एक ग्रीड है, ये कहीं ना कहीं ऊपर के लिए डायरेक्शन दिखाती है मतलब लोगों को, और उसके बाद में यहाँ के एसएल फिर से तैयार हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं उसके बाद में भी अपन, अभी मार्केट वैसे ये देखो ये ठंडा हो चुका था मार्केट, लेकिन अब ये ग्रीड दूर हो गई है और ये वाली की वजह से इसका इम्पेक्ट आया है, ये छोटी टाइम फ्रेम में नहीं है, यहाँ भी करीबन उसने टाइम लगा दिया, मतलब काफी, अगर देखो ग्रीड कब बढ़िया काम करती है मैं बताता हूँ, अगर मार्केट ने ग्रीड दी है वो काफी दूर की ग्रीड है, वो अगर ऐसे करके ठंडा हो रहा है ठंडा कितनी देर में, एक क्विक आनी चाहिए, मतलब एक छोटे से टाइम फ्रेम में काफी सारे ट्रेडर फंस जाए तो हमारे लिए एसएल वो पैनिक होने लग जाता है, तो वो जब बढ़िया काम करती, अगर वही ग्रीड अगर एक टाइम लगा के क्रिएट करे तो फिर उसका इम्पेक्ट इतना मजबूत नहीं होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे तेरे को इसमें, वैसे आज सेशन कुछ और लेने आए थे, सेशन हो कुछ और गया, ठीक है।